हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पनीर से बनने वाले कोफ्ते। ये बहुत ही जूसी और मुंह में झटपट से घुल जाने वाले होते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम तकरीबन पनीर ले लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमने पनीर ग्रेट कर लिया है और ये हमने आलू उबाल के, ये 250 ग्राम्स थे जिन्हें हमने छील लिया है, इसे भी अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे आलू ग्रेट कर लिए हैं। ये हमारा पनीर और ये आलू हमने जो दोनों ग्रेट कर लिए हैं उन्हें अब हमें मिलाना है। तो पहले हम पनीर और फिर आलू जो ग्रेट करके रखे थे उन्हें एक प्लेट में आपस में मिला लेते हैं और इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेते हैं। ये कुटी हुई काली मिर्च है जिसे हमने दरदरा कूट लिया, उसे ऐड कर देते हैं और 2 बड़े चम्मच इसमें मैदा ऐड कर लेते हैं। अब हम इसे आपस में इस तरीके से मिलाते हुए एक डो तैयार कर लेते हैं। तो हमें इस तरीके से मिलाते हुए डो तैयार कर लेना है और ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम पनीर और आलू से एक बोल, इस तरीके से बॉल्स तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक डो का छोटा पोर्शन ले लेना है और बॉल्स तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से हम सारे डो की बॉल्स तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमने सारी की सारी तैयार कर ली है। अब हम एक छोटी बॉल तेल में ऐड करके देखेंगे, जिससे कि ये देखेंगे कि पट तो नहीं रही है, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम सारी बॉल्स जो पनीर के हैं उसे इसमें ऐड कर देंगे और एक बेच में जितनी हो सके उतना हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी का हम सेकेंड बेच में ऐड करेंगे। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी बॉल्स बिल्कुल बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बस अब इस तरीके से स्पून से इसको उलट पुलट करते हुए हमें सारी बॉल्स को सेक लेना है। ये लीजिए, हमारी बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से अपना दूसरा बेस भी फ्राई कर लेते हैं, उसे हमने तेल में ऐड कर दिया है। तब तक हम दूसरी तरफ अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन की और 1 बड़ा साइज़ का प्याज डाल दिया है और हम इसमें 2 टमाटर ऐड कर देते हैं। और इसे लीड लगाकर हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है और एक साइड रख देते हैं। इसमें गरम मसाला, तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 लौंग और बड़ी इलायची डाल के अब हम इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें अपने मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर जिसे 2 चम्मच ऐड किया है और 2 चम्मच ही धनिया ऐड कर देना है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और ये गरम मसाला। बस अब इन सबको आपस में अच्छी तरह मिला लेना है। अब इसे कवर करके हमें लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। ये देखिए, हमारा तेल जो है वो साइड से रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो इसमें हमने 2 कप करीब पानी ऐड कर देना है और इसे मिला लेना है। इस तरीके से मिलाते हुए हम इसमें एक अच्छा उबाल ले लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच क्रीम ऐड कर देंगे और उसे भी मिला लेंगे।
इसे चलाते हुए मिलाएं, नहीं तो हमारी क्रीम फट जाएगी, इसलिए इसे चलाते हुए मिलाएं। ये लीजिए हमारे ग्रेवी में अब उबाल आ गया है। अब हमने जो अपने पनीर के कोफ्ते तैयार करके रखे थे वह इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी मिला लेंगे। अब हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये लीजिए हमारे पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और हरा धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। ये हमारे पनीर कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही यमी बनते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करिए। ये मुंह में जाते ही घुल जाते हैं तो और जल्दी झटपट से बन जाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी यमी होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में घी डालकर इसे सर्व करिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।